आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे जेके चैनल की नशरियात में आपका मेजबान मैं हूं समय मेजाज। और हेडलाइंस टुडे में सबसे पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज पुंछ राजौरी के दौरे पर थे और अपने दौरे के दौरान वजीर आला काला कोट से लेकर काला बन तक हर तामीराती प्रोजेक्ट और दफ्तर का मुआयना कर रहे थे। वजीर आला ने काला कोट में मुतलका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि आवाम को दरपेश मसाइल हल करने में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि देही इलाकों पर उनकी खास नजर रहेगी और पसमांदा और पहाड़ी तबकों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। पुंछ राजौरी का दौरा करते हुए वजीर आला ने कहा कि पंचायती राज से ही दूर दराज के इलाकों की तरक्की के दरवाजे खोले जाते हैं और आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के फौरन बाद रियासत में पंचायती इंतखाबात कराए जाएंगे। बीपीएल राशन कार्डों पर अवामी वफूद ने वजीर आला को बताया कि इन मामलात में जबरदस्त धांधलियां हुई हैं और वजीर आला ने फौरी तौर पर तहकीकात करने के अलावा कहा कि पूरी वादी में बीपीएल राशन कार्डों के मामले को असर नव सर्वे कराया जाएगा, जिस दौरान मुस्तक अफराद के हकूक पर अगर कहीं भी शबखून मारने की बात सामने आई तो मुतलका अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रहे पिछले 10 सालों के दौरान उमर अब्दुल्ला रियासत के वाहिद वजीर आला हैं जिन्होंने इस इलाके का जमीनी दौरा किया हो। इधर वादी में सेहत के वजीर श्यामलाल शर्मा ने आज महकमे सेहत के अफसरान के हमरा एक निशस्त में अफसरान पर जोर दिया कि वह शोबाए तिब को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ रखें। बारामूला में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुजफ्फर अहमद के हमरा मुनाकदा आज अफसरान की मीटिंग में वजीर ने कहा कि रियासती सरकार शोबा सेहत को बढ़ावा देने के लिए मजीद 1600 डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाने जा रही है, जबकि माहाना वजीफे के तर्ज अमल पर कई 100 लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा। उन्होंने मुतलका अफसरान को बताया कि NHRM स्कीम को पूरी तरह तनदेही से लागू किया जाना है। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने मुतलका महकमे के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल से वजीर को आगाह किया, जिन्होंने मुअसर इकदाम उठाने की भरपूर यकीन दहानी कराई। रियासत जम्मू कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2008 में जरूरी तरामीम के लिए सरकारी हलकों में गुफ्त शनीद जारी शुरू हो चुकी है और सरकारी जराए के मुताबिक इस कानून के जुमरे में आ रहे मुख्तलिफ मराहिल को रियासती सरकार मरकजी सरकार के कानून की बराबरी पर लाने का अंदिया दे रही है और आम लोगों से अब इस हवाले से रायजनी भी तलब की जा रही है। और सियासत में कौंसिल के इंतखाबात से पहले ही सियासी जमातों में सरफटोल शुरू हो गई है और जहां रियासती कौंसिल के इंतखाबात में आपकी बार मखलूत सरकार PDP को कोई भी सीट ना देने का तहिया तकरीबन किए हुए है, वहीं कांग्रेस जमात के अंदर भी सब ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। जराए के मुताबिक कांग्रेस कुल 11 निशस्तों में से एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहती है और कांग्रेस जमात की तरफ से कुठवा के लिए BS पठान, ब्रिजमोहन शर्मा के अलावा सुभाष गुप्ता, मास्टर लाल मोहम्मद साबिर और लाल मोहम्मद शर्मा के अलावा जम्मू से कांग्रेस तर्जमान रविंदर शर्मा, खेमलता वकलू, जनक राज गुप्ता, गुलचैन सिंह चारक, मंगत राम शर्मा, जुगुल किशोर डोडा से दर्शन रैना, मशहूर सिंह सतीश रैना, उधमपुर से नरेश गुप्ता, हैदर शेख और भारत गांधी में से ही काउंसिल के लिए नामजद कराने पर सोच रही है। जराए के मुताबिक सबका चीफ सेक्रेटरी BR कुंडल भी कांग्रेस की लिस्ट में नुमाया तौर पर दर्ज है, ताहम काउंसिल के लिए कांग्रेस जमात से जमात ने वादी से सिर्फ अब्दुलरशीद मोंगा और खेमलता वखलू के नामों पर ही नजर रखी है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और आज बाद दोपहर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक अहम फैसले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर डॉक्टर महबूब बेग की जगह पर कश्मीर सूबे के लिए अली मोहम्मद डार को सूबाई सदर के तौर पर नामजद किया है, जबकि जम्मू के लिए रतनलाल गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई गई। जराए के मुताबिक डॉक्टर महबूब बेग को डॉक्टर अब्दुल्ला ने पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारी के लिए फारिग किया है। बुलंद पाया वली कामिल हजरत महबूब आलम शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह का 446वां सालाना उर्स मुबारक निहायती अकीदत व एहतराम के साथ आज मनाया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्थान आलिया वाक़ कोहमारान पर मुनक्कद हुई, जहां रात भर शबख्वानी, दुरूद अज़कार, खतमातुल मौज़बात की रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनमें वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदमंदों ने शिरकत करके फैज़ो बरकत हासिल की।
इस सिलसिले में मीरवाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत शेख हमजा रहमतुल्लाह अलैह की तारीख साज इस्लामी खिदमात और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली, जिस दौरान उन्होंने हजरत महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह को अजीम वली कामिल और शरीयत मारिफत और तरीकत का इमाम करार दिया। उन्होंने कहा कि हजरत महबूब आलम खलूस एहसार, सखावत व सरचश्मी, मशक्कत, मोहब्बत और इज्जत एहतराम का आला नमूना थे। वादी कश्मीर अपने हुस्न जमाल से आज भी पूरी दुनिया में मशहूर है। सदियों से ये वादी ऋषि और मुनियों का ठिकाना रही है और शायद यही वजह है कि इस गुलपोश वादी को ऋषवर और पिरवर भी कहा जाता है। इसी ऋषवर और पिरवर कहलाने वाली वादी कश्मीर में आज भी कई अवलियाए किराम के आस्तान आलिया और खानकाहें मौजूद हैं, जहाँ हर रोज़ अकीदतमंद आज भी हाजिरी देते हैं। इसी वादी गुलपोश में सुल्तानुल आरफीन हजरत शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह का आस्तान आलिया भी मौजूद है, जहां 20 फरवरी 2009 को उनका सालाना उर्स पाक नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। कोही मारा के दामन पर वाका सुल्तानुल आरफीन के आस्तान आलिया में उर्स पाक के सिलसिले में पिछले कई रोज से ही रूह परवर मजालिस और दुरुद अजकार की महफिलों का सिलसिला शुरू हुआ, जिनमें अकीदतमंदों की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत की। सुल्तानुल आरफीन शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह को वादी कश्मीर में महबूब आलम, हजरत सुल्तान और हजरत मखदूम साहब के नामों से लोग जानते हैं। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह इलाका जैनागीर के तुजर शरीफ में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम उस्मान रैना था, तवारी गवाह है। उनका खानदान उन खानदानों से ताल्लुक रखता था जिनको सूरज बंसी और चंद्र बंसी कहा जाता था। सुल्तानुल आरफीन का बचपन काफी दिलकश रहा है। कुरान और अहदीस की तालीम के अलावा हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारफत में के लोम भी तय किए थे। हजरत बाबा दावद खाकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रहे हैं। हजरत बाबा दावद खाकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तलिफ अंदाज में तारीफें की है। चौरासी बरस की उम्र में सिर्फ 7 रोज तक मुख्तसर अलालत के बाद 24 माह सफर 984 हिजरी को सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से इंतकाल कर गए, जिसके बाद उन्हें कोही मारा के दामन पर सुपुर्द खाक किया गया,
जहां आज भी उनका आस्थान आलिया मौजूद है। सालाना उर्स पाक के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी अतराफ अकनाब से आए हजारों अकीदतमंदों ने आस्थान आलिया पर हाजिरी दी और रूह परवर मजालिस में शिरकत की। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक पर मीरवाइज उमर फारूक ने उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मखदूम साहब ने अपने दौर में इस्लामी तालीमात और एक सालियह मुआशरे के कयाम के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। इस मौके पर आज सियासी मामलात पर इजहार ख्याल करते हुए उमर फारूक ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर कशीदगी की बुनियादी वजह है और जब तक इससे सैफ फरीकी मुजाकरात या अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल नहीं कराया जाता तब तक यहां पर अमन और सलामती को खतरा मौजूद रहेगा। हालांकि स्टूडियो में खबरों का सिलसिला भी जारी है, आप जाइएगा नहीं, हम मिलेंगे एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद। लताफत मुश्के अदफर शफात मसाल आला तर इस्तेमाल करी कम न्यामत से बना मासवाना सिनिया में फिर शफात मसाल जोर बिल्कुल इस्तेमाल करी कम न्यामत से बना शफात मसाल पता जानिए उसी तरीफ करा क्या एगमार वो शफात मसाल शफात याद थो ISO 9001:2000 सर्टिफाइड कंपनी से जदीद टेक्नोलॉजी साफ शफाफ माहौल मन तैयार करनामुत एग मार्क वोल शफात मसाल चु वादी मज हर कुन जाय दस्तियाब। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉन्टैक्ट सुपर स्टार स्पाइसेस सिडको कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज सेकंड फूड पार्क खनवू श्रीनगर। सेल नंबर्स 9419038789 9419423317 9419010028। दरअसल गांधरबल में नमाज जुमा के मौके पर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के कायम मुकाम चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला तारी ने खताब करते हुए कहा कि भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बरसग़ीर की तकसीम के वक्त कश्मीर के लोगों के साथ ये भी वादा किया था कि कश्मीरियों को हालात ठीक होने पर अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का हक दिया जाएगा, लेकिन भारत तहाल अपने वादे पर अमल नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर एक सियासी मसला है जिसे सियासी तौर ही हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार मसले कश्मीर को सियासी तौर पर हल करने का इरादा रखती है तो फिर हुर्रियत कायदे इनको बिला किसी ताखीर के रिहा किया जाना चाहिए। इधर तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक जहां तहरीक हुर्रियत के कायम मुकाम चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सराई मस्जिद हमजा अमीरा कदर में नमाज जुमा के मौके पर अवामी इज्तिमा से खताब करने वाले थे, वहीं उन्हें कल रात से ही अपने घर में नजरबंद रखा गया था। मोहम्मद अशरफ सराई की नजरबंदी के खिलाफ तहरीक हुर्रियत से वाबस्ता कारकुनों ने आज एहतजाजी मुजाहरा भी किया जिस दौरान वो सराई साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। उधर शहर खास में आज भी एक बार फिर मुजाहिरों की बरसात देखने को मिली। श्रीनगर में बाद अज नमाज जुमा नवहट्टा राजौरी कदल बोहरी कदल में पथराव लाठी चार्ज टीयर गैस की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा था जिस दौरान इलाके में तमाम सरगर्मियां ठप होकर रह गई थी। इतलात के मुताबिक ये मुजाहरे उस वक्त आज शुरू हुए जब इलाके में नौजवानों ने पिछले एजिटेशन में गिरफ्तार हुर्रियत लीडरान और दूसरे लोगों को रिहा करने का मुतालबा किया और लोगों के मुजाहिरीन इल्जाम लगा रहे थे कि सरकार ने वादा किया था कि सभी लोगों को रिहा किया जाएगा लेकिन सरकार अपने वादे पर कारबंद नहीं है। आज इस लाठी चार्ज और संगवारी से API कैमरामैन आरिफ अहमद और मुजम्मिल रशीद जख्मी हुए। दरअसल ने शाम गई मिली इतलात के मुताबिक इलाके में इस बिगड़ी सूरत हाल के दौरान फोर्सेज की तरफ से चलाई गई गोली में शाहिना फयाज नामी खातून भी जख्मी हुए हैं। नवाडला इलाके में आज हुए मुजाहरे के दौरान करीबन 20 अफराद जख्मी हुए जिनमें 6 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं।
श्रीनगर में आज भी मुजाहरे और वो भी मुलाजमीन के मुजाहरे जारी थे। तहम आज के मुजाहरे में ख्वातीन और वो भी आंगनवाड़ी महकमे से वाबस्ता ख्वातीन थी और श्रीनगर में अपने मुजाहरों के दौरान ये ख्वातीन न सिर्फ सरकार पर उनके साथ सौतेली माँ का सलूक रखने का इल्ज़ाम आयद कर रही थी बल्कि सर्विस रिकॉर्ड और सर्विस बुक मुरतब करने का मुतालबा भी कर रही थी। इधर सिक्स पे कमीशन की मंजूरी के बावजूद भी मुलाजमीन खासकर महकमे तालीम में मुलाजमीन रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं और रियासती विजिलेंस महकमे ने आज एक शिकायत मिलने पर CEO शोपिया के क्लर्क अली मोहम्मद सोफी को तकरीबन 40,000 रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया है। विजिलेंस महकमे के एक बयान के मुताबिक महकमे को मजकूरा शख्स के बारे में खसूसी इत्तला मिली थी और महकमे ने जाल बिछाकर मछली को जाल समेत गिरफ्तार कर लिया। उधर चीफ एजुकेशन अफसर बड़गाम के अहतमाम से आज हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम ख्वाजा मोहम्मद रफी मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर जिला के जिस्मानी तौर माजूर बच्चों में मसनू अज़ा तकसीम किए गए जबकि तकरीब में मुकर्रीन ने बच्चों को मुनासिब तालीम पहुँचाने के हवाले से मुकाले भी पढ़े। और वादी में आज सुबह 9:19 पर भूचाल के झटके भी महसूस किए गए जिस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे के मुताबिक रेक्टर पैमाने पर भूचाल की शिद्दत 5.5 थी जबकि भूचाल का मरकज कश्मीर और पाकिस्तान के सरहदी इलाके माने गए। कश्मीर और पाकिस्तान की सरहदों के नजदीक सुबह 9:20 पर आए इस भूचाल की रफ्तार जहां रेक्टर स्केल पर 5.5 ही दर्ज थी वहीं इसे नुकसान की इतलात भी मिल रही है। बारामूला से मिली एक इतला के मुताबिक वहां एक शख्स जख्मी हुआ है जबकि टंगडार के अस्पताल की इमारत को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आर और पार हुए इस भूचाल से 14 अफराद आर पार जख्मी हुए हैं और याद रहे साल 2005 में आए भूचाल और आज के भूचाल में एक चीज मुश्तरक थी और वो था वक्त। जहां भूचाल के झटके आज सुबह सुबह महसूस भी किए गए वहीं वादी का मौसम अभी भी तंग नजरी के दौर से ही गुजर रहा है। वादी भर के दूर दराज इलाकों में आज बर्फबारी भी हुई तो शहर में हल्की हल्की बारिशों के साथ कभी कभी हल्की हल्की धूप भी निखर रही थी और आज शहर में मौसम यही बता रहा था कि यह सच है कि यहां के मौसम का कोई भरोसा नहीं। दरअसल कल रात हुई बारिशों से श्रीनगर के टंकीपुरा इलाके में एक मकान को नुकसान भी पहुंचा है। वादी के कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इम्तहानात में शमूलियत करने वाले उम्मीदवारों के लिए 10 अजला में मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। इन अजला में गांधरबल, कुलगाम, बारामूला, कुपवारा, शोपियान, बांडीपुरा, पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर, अनंतनाग शामिल हैं। उम्मीदवारों को मुतलक किया जाता है खासकर वो उम्मीदवार जो उन्होंने KS के फार्म दाखिल किए हों और वो गरीब और मुस्तहक कुंबों से ताल्लुक रखते हों कि वो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नरों से राबता कायम करके अपने नाम दर्ज कराएं ताकि वो जरूरी किताबें और कोचिंग में शमूलियत हासिल कर सकें। वादी में आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर आग की वारदातें रोनमा हुई। सुमलर बांडीपोरा में आग की एक वारदात में एक गांवखाना खाकस्तर हुआ है। चाडूरा और हैदरपुरा इलाके में भी दो अलग अलग आग की वारदातें रोनमा हुई जिसके नतीजे में इमलाक को नुकसान पहुंचा है। इधर सड़क के एक हादसे में ललदत अस्पताल श्रीनगर के नजदीक एक सोमो गाड़ी से उर्फा दुख्तरे फारूक अहमद साकरे टंगमर्ग जख्मी हुई हैं जो बाद में अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
उधर शोपियन में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान इलाके में एक नौजवान की लाश बरामद की है, जिसकी शिनाख्त शौकत अहमद साकिन डांगरपुर अनंतनाग के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मजकूरा नौजवान जहनी मरीज था और चंद रोज घर से गायब हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में भी केस दर्ज किया है। पंडितों के मशहूर त्यौहार महाशिवरात्रि को देखते हुए फिशरीज महकमे ने ट्राउट मछलियों की फरोख्त का खास इंतजाम किया है। महकमे की एक इतला के मुताबिक आज से अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में मुतलका महकमे ने ट्राउट मछली के सेल सेंटर कायम किए हैं, जहां बड़ी तादाद में ट्राउट मछली आम लोगों में फरोख्त की जाएगी। मुतलका महकमे के मुताबिक ये सेंटर कल भी खुले रहेंगे। इसी दौरान बारामूला में भी मुतलका महकमे ने ऐसे ही मराकज कायम किए गए हैं। तहम बारामूला में मछली के साथ साथ नदरू और अखरोट की गिरिया खूब बेची जा रही है। पुनिश मंडी में आज भारतीय सरकार ने काजी जमाल दीन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्हें मदफन करने की इजाजत दी, जिसके बाद उन्हें उनके खानदानी मकबरे में दफन किया गया। 1947 में यह तरफ छोड़कर उस तरफ जाने वाले काजी जमालुद्दीन 8 सितंबर 2008 को पुंछ रावलाकोट बस से एक बार फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने रियासत में आए थे और आते ही यहीं की मिट्टी की ख्वाहिश की थी और यूं उनकी शायद ऊपर वाले ने भी सुन ली थी और वापस जाने से पहले ही उनकी रूह चल बसी और आखिरकार दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी काजी थकावट के बाद उन्हें आज यहीं पर दफन करने की इजाजत मिल गई। श्रीलंका में भी हालात पुरतनाव, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात और भारत में मुंबई धमाकू की गूंज भी अभी जारी और सारे ममालिक की खसूसी मीटिंग भी होगी और 27-28 फरवरी को कोलंबो में सारे ममालिक की मीटिंग मुनक्कद हो रही है। भारत की तरफ से इस मीटिंग में भारतीय वजीर खारजा प्रणब मुखर्जी भारतीय वफद की क्यादत करेंगे, जिस दौरान तवक्का है कि मुंबई धमाकों के बाद पहली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आला सतह के नुमाइंदे 1-to-1 मुलाकात करेंगे। और मुबसरीन के मुताबिक जहां इस मीटिंग में तजारत तो सारे फरिस्त रहेगी, वहीं पाक भारत ताल्लुकात पर भी मुस्बत असर पड़ सकता है। और चलते चलते बताते चले कि पराए के फटे में टांग अड़ाना बहुत से लोगों की आदत होती है और अफगानिस्तान के फटे में जॉर्जिया जैसे मुल्क ने भी अब अपनी टांग अड़ाते हुए अफगानिस्तान अपने फौजी भेजने का ऐलान किया है। तहम जॉर्जिया की फौजों की तादाद सिर्फ 100 है। जॉर्जिया के जहां अपने हालात भी अच्छे नहीं है, वहीं अफगानिस्तान की हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए जॉर्जिया ने यहां जो फौज भेजने का ऐलान किया है और कहा है उनकी फौज नाटो फौज के साथ मिलकर यहां पर काम करेगी। तो हेडलाइन स्टूडियो में अभी बस इतना ही। अपने मेजबान सनम एजाज को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जाइएगा नहीं, आपके लिए मेरे साथी ला रहे प्रोग्राम फाइनल रिपोर्ट। अब देखिए फाइनल रिपोर्ट, दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।